मुरादाबाद के बेसिक स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के साथ साथ और उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए काम किया जा रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि सभी स्कूलों में बच्चों को पुस्तकें पहुंच गई हैं। छुट्टियों के बाद जो स्कूल रह गए हैं उन स्कूलों में पुस्तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 1 से 2 दिन के अंदर इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार का कहना है कि उनका मकसद ये है कि उनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए। शासन द्वारा बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को उन तक पहुँचाया जाए। देखिए, जो हमारा सत्र 1 अप्रैल से इस साल स्टार्ट हुआ था, तो हम लोगों ने इस सत्र प्रारंभ होने के उपरांत ही छात्र छात्राओं के लिए किताबों का वितरण प्रारंभ करा दिया था। और हमारे साथ जून में कुछ वर्कबुक जो है, जो अवशेष बाद में हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, तो उनका चूंकि विद्यालय बंद होने के उपरांत हम लोगों को जनपद स्तर पर प्राप्त हो गई थी, उनको हम लोगों ने ब्लॉक स्तर के जो भंडार हमारे गृह बनाए गए हैं उन तक पहुँचा दिया था। और मैक्सिमम वर्कबुक का भी वितरण हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया है, और कुछ ब्लॉकों का जो अवशेष बचा है वर्कबुक, उसको हम लोग जो है खंड शिक्षा अधिकारियों को उसको तत्काल जो है हम लोगों ने अभी समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को मीटिंग में वितरण करने के लिए निर्देश दिए हैं। और हम लोग 3-4 दिन में मुझे लग रहा है कंप्लीट करके हम लोग सारा वितरण का काम कंप्लीट कराकर खंड शिक्षा अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट भी मंगा रहे हैं हम। सर, बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल देने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हमारे जितने भी शिक्षक हैं, हमारा सभी शिक्षकों से हमने आह्वान पहले भी किया था और खंड शिक्षा अधिकारियों की मीटिंग में भी हमने कहा है कि हमारे समस्त शिक्षक जो हैं वो समय पर विद्यालय पहुँचे, नियमित रूप से जो उनकी पठन पाठन की जो गतिविधियां हैं उनसे बच्चों को कक्षा शिक्षण पद्धति से उनको अवगत कराएं। साथ ही हमारी जो एकेडमिक टीम है, जो ARP SRG हैं, वो भी समय समय पर विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन करते हैं, तो उनके माध्यम से भी हम अपने शिक्षकों तक अपनी बात को पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और हमारी एकेडमिक टीम भी इसके लिए अपने सतत प्रयास कर रही है ताकि हम अपने बच्चों को निपुण बनाकर अपने जनपद को निपुण मुरादाबाद के रूप में हम उसको डेवलप करके विकसित कर दें। साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूलों के तर्ज पर दिखाई देंगे।